दोस्तों आपको आज दिखाने के लिए मेरे पास बोट का स्टोन 350 पोर्टेबल स्पीकर है। अगर आप ब्लूटूथ स्पीकर देख रहे हैं जो पोर्टेबल हो, जिसे आप अपने साथ इजीली कैरी कर सके, तो ये स्पीकर काफी बढ़िया है। आज इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में डिटेल में बताऊंगा, पर अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे मैं जब भी ऐसी वीडियो अपलोड करूं तो आपको पता लग जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। स्पीकर का बॉक्स कुछ इस तरह का आता है, ऊपर स्टोन 350 लिखा है, इस तरफ बोट का लोगो दे रखा है, बीच में आपको स्पीकर की फोटो देखने को मिलती है, इस तरफ इसके 10 वोल्ट के इमर्सिव साउंड के बारे में बता रखा है। ये एक IPX7 वाटर रेजिस्टेंट स्पीकर है। बॉक्स के इस तरफ लिखा है डू व्हाट फ्लोट्स योर बोट, ऊपर की तरफ बोट का लोगो दे रखा है। बैक साइड में यहाँ स्पीकर की फोटो और नीचे इसके कुछ फीचर्स हाईलाइट कर रखे हैं, जिनके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। बाकी इस तरफ फिर से हमें स्पीकर की फोटो देखने को मिलती है और बॉक्स के नीचे की तरफ हमें कुछ डिटेल्स दे रखी है, जैसे यहाँ पर इसकी MRP लिखी है जो कि 3490 है, पर बोट की वेबसाइट पर मुझे डिस्काउंटेड प्राइस में 1299 का मिल गया था। फ्लिपकार्ट पर अभी ये 1699 का मिल रहा है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन मैंने दोनों की लिंक्स दे रखी है, जहाँ आपको अच्छी रेट मिले आप वहाँ से ले सकते हैं। ये वाला स्पीकर मैंने ब्लू कलर में ऑर्डर किया था। बॉक्स खोलते ही हमें सॉफ्ट प्लास्टिक में स्पीकर रखा हुआ मिलता है। स्पीकर कुछ इस तरह की सिलेंड्रिकल डिजाइन में आता है, काफी कॉम्पैक्ट सा स्पीकर है। एक बार इसे हम साइड में रख देते हैं, बाद में हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। इसके बाद बॉक्स के साइड में आपको स्पीकर के बाकी कंटेंट्स देखने को मिलते हैं, जिसमें से सबसे पहले एक ऑक्स केबल दे रखी है, फिर आपको एक चार्जिंग केबल मिलती है जिसके एक तरफ माइक्रो USB और दूसरी तरफ USB A कनेक्टर है। ये केबल 1/2 मीटर लेंथ की आती है। फिर आपको वारंटी कार्ड मिलता है, जिसमें इसकी 1 साल की वारंटी के बारे में बता रखा है। वारंटी कार्ड के बाद आपको स्पीकर की यूजर गाइड देखने को मिलती है। लास्ट में आपको बोट की पैम्पलेट देखने को मिल जाती है, जिसमें आप बोट के सभी प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं। चलिए अब स्पीकर की बात करते हैं। ये स्पीकर टोटल 3 कलर में आता है, जिसमें ब्लू, रेड और ब्लैक कलर का ऑप्शन आता है। मैंने इसे ब्लू कलर में ऑर्डर किया था और आप देख सकते हैं इस पर ये ब्लू कलर काफी खेल रहा है और इसे प्रीमियम लुक दे रहा है। स्पीकर सिलेंड्रिकल डिजाइन में आता है। यहाँ पर आपको स्पीकर पर मैच टाइप फैब्रिक देखने को मिलता है, जो दिखने में बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी का लग रहा है। बीच में यहाँ इसके सभी कंट्रोल्स दे रखे हैं, इनके साइड में फिर से मैच टाइप फैब्रिक दे रखा है, जिसके नीचे इसका स्पीकर है। इसके बाद में यहाँ पर इसका लूप दे रखा है, जो कि काफी मजबूत है और काफी हाई क्वालिटी का दिया गया है, और जो स्पीकर की साइज है वो काफी कॉम्पैक्ट है, तो आप इसका यूज करके इसे इजिली अपने साथ कैरी कर सकते हैं। लूप के नीचे आपको यहाँ पर कवर मिलता है, जिस पर बोट का लोगो दे रखा है। इस कवर को आप खींच कर ओपन कर सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे स्पीकर के सभी पोर्ट्स देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आपको एक माइक्रो SD कार्ड स्लॉट मिलता है, नीचे माइक्रो USB पोर्ट दे रखा है, बीच में एक LED इंडिकेटर है और लास्ट में आपको एक 3.5 mm हेडफोन जैक दे रखा है। तो स्पीकर में आपको टोटल 3 मोड्स देखने को मिल जाते हैं। आप चाहे तो माइक्रो SD कार्ड से इसमें सॉन्ग सुन सकते हैं, या आप चाहे तो ब्लूटूथ के थ्रू सॉन्ग प्ले कर सकते हैं, या फिर ऑक्स केबल से भी वायर के थ्रू सॉन्ग सुन सकते हैं। ये स्पीकर IPX7 सर्टिफाइड वाटर रेजिस्टेंट है, तो इसके पोर्ट्स को पानी से बचाने के लिए आपको इनके ऊपर ये सिलिकॉन का कवर मिलता है, जिसको अगर आप ढंग से टाइट बंद कर दे तो इसके पोर्ट्स में पानी नहीं जाता है। स्पीकर के ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो आपको इसका रेडिएटर देखने को मिलेगा, एक ऊपर दिया गया है और एक नीचे दिया गया है, जो स्पीकर के प्रेशर के कारण वाइब्रेट करते हैं और आपको काफी अच्छा बेस सुनने को मिलता है। यहाँ बीच में आपको बोट का लोगो देखने को मिलता है। बाकी काफी हाई क्वालिटी का इसमें मटेरियल यूज किया गया है और स्पीकर की जो ये ब्लू कलर की साइड्स है, ये सभी हाई क्वालिटी सिलिकॉन से बनी हुई है, जिससे आपको टेबल पर काफी अच्छी ग्रिप मिलती है। स्पीकर को ऑन करने के लिए आपको इसके पावर बटन को कुछ सेकंड्स तक प्रेस करके रखना है। जैसे स्पीकर ऑन होगा तो आपको वॉइस फीडबैक सुनने को मिलेगा। स्पीकर ऑन होते ही अपने आप पेयरिंग मोड में चला जाता है। अब आपको फोन की ब्लूटूथ सेटिंग्स को खोलना है, जिसमें ये स्पीकर आपको स्टोन 350 नाम से शो हो जाएगा, जिस पर टैप करते ही ये आपके फोन से कनेक्ट हो जाएगा। स्पीकर पर पावर बटन के नीचे आपको स्टेटस LED लाइट दे रखी है। जब आपकी डिवाइस कनेक्ट हो जाती है तो ये लाइट स्टेबल हो जाती है। अगर इससे कोई डिवाइस कनेक्ट नहीं होगी तो ये लाइट ब्लिंक करती रहेगी। इसके अलावा यहाँ नीचे बैटरी इंडिकेटर LED लाइट्स दे रखी है। जैसे अभी आप देख सकते हैं, इसमें 4 में से 2 LED लाइट्स ऑन है, जो शो करती है कि स्पीकर अभी हाफ चार्ज है। तो दोस्तों स्पीकर कनेक्ट हो चुका है, चलिए अब इसमें सॉन्ग प्ले करते हैं। कंट्रोल्स में दिए गए प्ले बटन को एक बार प्रेस करके आप सॉन्ग को प्ले और पॉज कर सकते हैं। ऊपर दिए गए प्लस और माइनस बटन को स्टेप्स में प्रेस करके आप गाने की आवाज को कम ज्यादा कर सकते हैं। जैसे स्पीकर की आवाज फुल होती है तो स्पीकर में आपको वॉइस फीडबैक मिलता है, जिससे आपको पता लग जाता है कि स्पीकर की फुल वॉल्यूम हो चुकी है। प्लस बटन को कुछ सेकंड तक प्रेस करके आप नेक्स्ट सॉन्ग प्ले कर सकते हैं। ऐसे माइनस बटन को कुछ सेकंड तक प्रेस करके आप प्रीवियस सॉन्ग प्ले कर सकते हैं।
स्पीकर में आपको इनबिल्ट माइक भी मिलता है, तो अगर आपका फोन स्पीकर से कनेक्ट हो और इसमें कॉल आ जाए तो आप इस प्ले बटन को एक बार प्रेस करके कॉल को उठा सकते हैं और डायरेक्ट स्पीकर के थ्रू बात कर सकते हैं। इस बटन को फिर से शॉर्ट प्रेस करके आप कॉल को रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर आप स्पीकर को वायर के थ्रू यूज करना चाहते हैं तो साथ में दी गई ऑक्स केबल के एक एंड को स्पीकर से कनेक्ट करना है और दूसरे एंड को फोन के हेडफोन जैक से कनेक्ट करना है। इसके बाद आप जो भी सॉन्ग फोन में चलाएंगे वो वायर के थ्रू आप स्पीकर में सुन पाएंगे। स्पीकर की खुद की इंडिपेंडेंट वॉल्यूम भी है। अगर फोन की आवाज फुल करने के बाद भी आपको आवाज कम लगे तो आप स्पीकर पर दिए गए प्लस बटन से स्पीकर की आवाज को बढ़ा सकते हैं और वॉइस फीडबैक से आपको पता लग जाएगा कि वॉल्यूम फुल हो चुकी है। अभी जैसे मैंने स्पीकर को ऑक्स से कनेक्ट कर रखा है, अब प्ले बटन को दबाकर मैं सॉन्ग को केबल के थ्रू प्ले कर सकता हूँ। अब ऊपर दिए गए पावर बटन को एक बार प्रेस करके मैं ऑक्स मोड से ब्लूटूथ मोड में स्विच कर सकता हूँ। इसके बाद अपने आप लास्ट कनेक्टेड डिवाइस स्पीकर से कनेक्ट हो जाएगी और मैं सॉन्ग्स को ब्लूटूथ के थ्रू प्ले कर पाऊंगा। तो इसी तरीके से आप बड़े आराम से स्पीकर के मोड्स को चेंज कर सकते हैं और जो मोड आपको अच्छा लगे उसके थ्रू आप गाने सुन सकते हैं। इस स्पीकर में आपको काफी बढ़िया क्वालिटी के ड्राइवर देखने को मिलते हैं जो कि 52mm के हैं, जिससे आपको 10 वोल्ट की पावर मिलती है। ये स्पीकर मुझे काफी पावरफुल लगा और इसकी साइज के हिसाब से इसका साउंड काफी ज्यादा लाउड है। स्पीकर की साउंड क्वालिटी की बात करूं तो बहुत ही जबरदस्त है, काफी पंची और हाई क्वालिटी का साउंड आपको इसे सुनने को मिलता है। इसके साइज के हिसाब से मुझे इसका बेस भी काफी इंप्रेसिव लगा। इस स्पीकर में आपको TWS का फीचर मिलता है, जिसका यूज करके आप ऐसे दो स्पीकर्स को एक साथ कनेक्ट करके पावर को डबल कर सकते हैं और स्टीरियो साउंड सुन सकते हैं। ये स्पीकर IPX7 वाटर रेजिस्टेंट है, जिसमें से X इसकी डस्ट रेटिंग शो करती है। X मतलब इसकी कोई डस्ट रेटिंग नहीं है और 7 इसकी वाटर रेटिंग है जो कि 0 से 9 तक होती है। यहाँ 7 का मतलब है कि आप इसे नॉर्मल बारिश में आराम से यूज कर सकते हैं। अब ये वाटर रेजिस्टेंट है तो चलिए इसके रेडिएटर के ऊपर थोड़ा पानी डाल देते हैं और फिर गाने सुनते हैं। स्पीकर को चार्ज करने के लिए आप कोई भी फोन का अडेप्टर यूज कर सकते हैं। जब स्पीकर चार्ज हो रहा होगा तो इसमें रेड कलर की लाइट शो होगी। स्पीकर को फुल चार्ज होने में लगभग 1 से 1.5 घंटे लगते हैं। जैसे स्पीकर फुल चार्ज हो जाएगा तो ये लाइट बंद हो जाएगी। स्पीकर में आपको 2200mAh की बैटरी मिलती है जो फुल चार्ज होने के बाद आपको 10 से 12 घंटे तक का बैटरी बैकअप दे सकती है। बाकी बैटरी बैकअप आपके यूज करने के तरीके पर डिपेंड करता है। अगर आप फुल वॉल्यूम पर सॉन्ग सुनेंगे तो नॉर्मल वॉल्यूम के मुकाबले में आपको थोड़ा कम बैटरी बैकअप मिलेगा। बाकी इस प्राइस के हिसाब से ये स्पीकर बहुत ही ज्यादा है। अगर आप इस क्वालिटी का स्पीकर किसी और कंपनी का लेंगे तो आपको 2000 से ऊपर ही मिलेगा। तो अगर आप छोटा और पोर्टेबल स्पीकर लेने की सोच रहे हैं तो आप इसे जरूर ले सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे मैं जब भी ऐसी वीडियो अपलोड करूं तो आपको पता लग जाए। अगर आपके क्वेश्चन है तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके पूछ सकते हैं, मैं आप सबके रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। फिर मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।